पैरामिलिट्री परिवार के बीच में हमारे डीजी साहब को अध्यक्षता कर रहे हैं श्री एच आर सिंह जी, हमारे आई जी साहब राम प्रसाद जी, जनरल सेक्रेटरी रवनीत सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष सुल्तान जी, श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, कोलपाल जी, सतवीर जी बधारा, अमेर जी बड़ीसा, अबूजा मोहन सिंह जी, अमेर ईश्वर सिंह जी आपके बीच में, मुक्ता सिंह है और आप सभी ओम प्रकाश जी यादव और सैनिक कल्याण मंत्री आज सौभाग्य हमारा अनाउंसमेंट करेंगे। एडीजी एचआर सिंह, आईजी साहब, बहुत बड़ी बात है। सभी एक मैं समझता हूँ कि भारत है पैरामिलिट्री का जवाब हो, मिलिट्री का जवाब हो, जहाँ कहीं भी होता है वहाँ एक व्यवस्था बनाने में, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में भारतीय अपनी तरफ से कोशिश करता है, शायद ताली बजाओ। और आज आप काफी अच्छी संख्या के अंदर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंदर एक सैनिक और सैनिकों का विभाग अलग से बनाया और ये शायद पूरे देश में हरियाणा में पहला था और स्टेटों में जिला सैनिक कौन है या कोई और व्यवस्था है, डिपार्टमेंट विभाग अलग से नहीं, उनका बजट अलग से नहीं हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जिसकी आपको जानकारी भी है कि हरियाणा सरकार के विभाग डायरेक्टरी और पैरामिलिट्री दोनों को मिलाकर अलग से विभाग का मूल उद्देश्य भी यही है कि जहां आप कहते हैं कि इस देश में जितनी भी डायरेक्टरी है उसका हर दसवां जवान हरियाणा से है। बहुत बड़ी बात, ताली बजाएं। सैनिक और सैनिक दोनों को मिलाते हैं और मिलिट्री को मिलाते हैं तो शायद सात आठ नौ। वाह वाह मंत्री जी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक इतने बड़े वर्ग को एक सम्मान देने के लिए और इसी उद्देश्य को लेकर क्या रहा है ये कि किस प्रकार से हम हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जब तक वो सर्विस में है तो उनके नियम कानून कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, लेकिन जब वो रिटायर होकर आ जाते हैं तो उनके परिवारों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं चलाएंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उत्थान के लिए क्या योजना हो सकती है, इस उद्देश्य को लेकर ये विभाग बनाया। लेकिन कई बार स्थिति हो जाती है, अनेक बार आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके पदाधिकारी यहाँ भी और दूसरे जिलों में भी मैं जिला जाता हूँ मेरे को मिले सभी में एक ही बात कहता रहा मैं कि भाई अपने सुझाव आप भी अपने सुझाव दो, आप भी अपने सुझाव दो, लेकिन ये बात सुनकर चले जाते हैं उसके बाद फिर दोबारा कोई आगे सुझाव नहीं। पिछले दो साल तीन साल से मेरे पास ये विभाग है, दो साल हमारी बहुत कठिन दौर से गुजरी, ना कोई सरकारी काम कर सकी, ना कोई
कार्य आगे बढ़े, कोरोना काल में हम सब उससे परिचित है। इसका एक साल निकल गया और यूं ही रहे तो आगे भी समय निकल जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि जो आप जिस प्रकार से यहाँ मंच के माध्यम से अनेक वक्ता आपके पदाधिकारी बोल रहे हैं, अलग से बैठे थे मेरी इस बात हो रही थी, एक दो तो बातों के लिए ज्ञापन मेरे को दिया गया है, मैंने आपके पदाधिकारियों को भी डीजी साहब बैठे उनको भी सुझाव दिया है। एक विस्तृत प्रस्ताव बढ़ाकर दो बातें हैं, आपको पता है उसका कि ये काम सेंटर के अधीन है, उनका सेंटर के नाम पे क्या बुला दो, हरियाणा सरकार के नाम पे बुला दो, लेकिन उनका विस्तार से जोड़ा एक अलग शिक्षित हो और जो हरियाणा सरकार से अपेक्षित है उनका जोड़ा अलग शिक्षित, ताकि हम एक एक पॉइंट को करके, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का जो हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसा दौरा बना करते हैं, ये जल्दी ही आप लोग आपस में बैठ कर सेंटर से संबंधित कौन से हैं और स्टेट से संबंधित कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, वो हमें आप सुझाव दें। अभी तक हम इसके अभाव में कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए इस बात, और जब बढ़ने की कोशिश की तो दुर्भाग्य की बात है कि विलेक्ट्री के द्वारा का जो दौरा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हमारे कितने आज के दिन इन सर्विस प्राप्त कर रहे हैं, कितने एक्स हो चुके, कितने शहीद हुए, इनको क्या गारंट्री अवार्ड मिले, पहला गारंट्री का कोई रिपोर्ट ना जिले में है ना स्टेट में है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात। अब हमने ये डेटा इकट्ठा करवाना शुरू कर रखे है, मुझे पता चला है भाई किसी मीटिंग में करते रहते हैं, आपके जो सेंटर्स होते हैं किसी फोर्स के चार सेंटर हैं, किसी के तीन हैं, किसी के दो हैं, तो आपका रिपोर्ट सदा वहीं से चलता है, तो उन सभी सेंटरों से अफकोर्स नोटिस में है, उसका डेटा हमारे पास आ गया है, उसका आगे लग गया है। हम सबसे पहले तो जब तक हमारे पास आपकी नफरी कितनी है, कौन से एरिया में कितने हमारे एक्स पैरामिलिट्री के जवान हैं, उनकी जब तक सही कितनी ना आए, सही स्थिति ना आए, कितने हमारे शहीद हुए, कब कब शहीद हुए, कितने लोगों ने गारंट्री अवार्ड लिए, तो वो सब बातें हम इकट्ठी कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि जहाँ भी अपेक्षित हो आप भी उसमें हमारा योगदान दीजिए, और जो आपके सुझाव दे रहे हो मैं उम्मीद करूँगा कि हम इसमें ज़्यादा समय ना लगा। आज सितंबर की 4 तारीख है, आप 25 तारीख से और 30 सितंबर के बीच उससे पहले अपने संकलन कर ले, विचार कर ले आपस में बैठकर कि ये योजनाएं लागू सरकार कर सकती है, ऐसे करना चाहिए, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो दोनों सेंटर का अलग और स्टेट का अलग एक मीटिंग मेरे से आप 25 से 30 के बीच में इसी में करें, जगह हम सुन लेंगे कि चंडीगढ़ करें या नागपुर में ही करें, क्योंकि उस मीटिंग में मैं चाहूँगा कि हमारे सैनिक और सैनिक के जो अधिकारी डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, चंडीगढ़ ठीक रहे, ISO है, वो भी साथ में थे, चंडीगढ़ ठीक रहेगी सर, वो भी साथ में थे, ताकि आपकी बात को वो भी समझ कर और आगे बढ़ाए।